राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आपके फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। तो गाइज, 8 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री नारद के साथ, जो कि श्री कृष्ण से कहते हुए नजर आते हैं कि कल तक तो मैं अश्व की व्यवस्था अवश्य कर लूँगा प्रभु। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि आप कल तक अश्व का प्रबंध कैसे करते हैं और अश्वमेध यज्ञ कैसे करवाते हैं। नारद जी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो सीधा में महादेव के पास पहुंच जाते हैं। नारद जी का लटका हुआ मुंह देखकर महादेव कहते हैं कि क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा हताश और उदास क्यों लग रहे हैं। यहाँ पर महादेव को बताते हुए नारद मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण तो मुझसे भी आगे निकल गए, वो सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरे अश्वमेध यज्ञ के प्रयोजन में विघ्न आए। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि हाँ, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि प्रभु इतनी आसानी से अश्वमेध यज्ञ के लिए कभी नहीं मानेंगे और वो कभी भी सज्ज नहीं हो पाएंगे। महादेव साथ में ये भी कहते हैं कि प्रतीत होता है कि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि हाँ प्रभु, हाँ मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। महादेव कहते हैं कि बस आप निश्चिंत हो जाइए, अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व अवश्य आएगा। आप श्री कृष्ण को बस ये पता ना लगने दीजिए कि अश्व का प्रबंध हो गया है, यानी कि आप उनके सामने ऐसा प्रतीत करवाइएगा कि जैसे आपको अश्व के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आप अश्व कब तक उपलब्ध करवा पाएंगे। महादेव कहते हैं कि करवा दूंगा, संसार के साथ साथ आपको भी पता चल जाएगा। महादेव यहाँ पर कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ कौन सी पत्नी बैठेगी, आप सबसे जाकर पहले ये सुनिश्चित कीजिए। जिसे सुनकर नारद जी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि यज्ञ में तो उनके साथ रुक्मिणी देवी ही बैठेंगी और सारी व्यवस्था मैं करके आया हूँ। महादेव उनको देखकर हंसते हैं और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। राधा यहाँ सारी पत्नियों से बातचीत कर रही होती हैं और कहती हैं कि कृष्ण के साथ यज्ञ में आप सभी रानियों में से किसी एक को बैठना है और मेरे विचार से रुक्मिणी सबसे अधिक ठीक रहेंगी। यहाँ पर सबको थोड़ा सा बुरा लगता है और यहाँ पर राधा कहती हैं कि आशा है आप में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी सत्यभामा पहला ऑब्जेक्शन दिखाते हुए कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की सबसे खूबसूरत पत्नी हूँ, अगर यज्ञ में मैं उनके साथ बैठूंगी तो उनकी शोभा अधिक बढ़ जाएगी। उनकी बात सुनकर बाद में फिर यमुना भी अपना पॉइंट प्रूव करती हैं और कहती हैं कि मेरा तो जन्म श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए ही हुआ है, तो इस नाते सबसे अधिक हक तो मेरा है इस यज्ञ में बैठने के लिए, लेकिन अंततः जो श्री कृष्ण की मर्जी होगी वही सर्वोपरि है। जामवती भी कहती है कि इस प्रकार से तो सबसे अधिक हक यज्ञ में बैठने का मेरा है, क्योंकि मैं सदैव श्री कृष्ण के साथ द्वारका में रहती हूँ और अपने पुत्र और अपने पति के साथ रहती हूँ, इसलिए यह हक मेरा होना चाहिए। सारी रानियां यहाँ एक एक करके ऑब्जेक्शन उठाने लगती हैं। रुक्मिणी कहती हैं कि हाँ, मुझे इसलिए ये सौभाग्य मिलना चाहिए सखियों, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी हूँ और सारी जिम्मेदारी मैं ही निभाती हूँ। लेकिन यहाँ पर सब ऑब्जेक्शन उठाते हैं। राधा कहती है कि आप सभी के विचारों का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि रुक्मिणी का चयन से आप खुश हैं या नहीं। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और सब हाँ में हाँ मिला देती हैं। यहाँ पर दाऊ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं, जिसे देख कर श्री कृष्ण उन्हें छेड़ते हैं और कहते हैं कि आप चिंता में क्यों हैं, क्या हो गया दाऊ। दाऊ कहते हैं कि आज प्रातः ही तुम्हारी भाभी के साथ वाद विवाद हो गया, तुम ही बताओ कान्हा। मैंने उससे कहा बस रेवती जी से कि प्रत्येक दिवस 56 भोग बनाना आवश्यक है क्या। मैंने बस ये कहा कि कान्हा को तो लड्डू और खीर सर्वे अधिक प्रिय है, तो रोज वो बना दो और अश्वमेध यज्ञ के दिन 56 भोग बना दो। बस इतना कहने की देरी थी कि वो मेरे ऊपर गुस्से से बरस पड़ी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, रसोई घर में दो बर्तन होंगे तो उनके साथ में खटकने की आवाज़ तो आएगी ही, लेकिन आप इस तरीके से नाराज मत होइए। दाऊ कहते हैं कि मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते और अपने शादीशुदा होने के नाते तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी पत्नी के साथ विवाद मत करो, और अगर विवाद हो भी रहा है तो तुम चुप रहो। दाऊ की बात सुनकर कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं कि जी, मैं आपकी ये आज्ञा का ध्यान रखूंगा। दाऊ कहते हैं कि अच्छा, तो फिर मेरी एक और आज्ञा का पालन करो, क्यों नहीं तुम सबको एकत्रित, यहाँ पर तुम्हारी सारी रानियाँ हैं तो क्यों घोषणा नहीं कर देते कि यज्ञ में तुम्हारे साथ रुक्मिणी ही बैठेंगी। कृष्ण कहते हैं
ठीक है दाऊ, मैं ये भी कर दूंगा। यदि अन्य पत्नियों की कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। राधा यहाँ पर बची हुई बाकी की पत्नियों से बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि मेरे हिसाब से तो रुक्मिणी का चयन एकदम सर्वश्रेष्ठ है और वही यज्ञ में बैठने के लिए योग्य भी है। यहाँ पर राधा सबको समझाने की और कन्वेंस करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन साथ में बची हुई चार रानियाँ अपनी अपनी पॉइंट को प्रूव करते हुए अपने आप को सर्वोपरि बताती हैं और कहती हैं कि हमारे हिसाब से तो हमें बैठना चाहिए। ये देख कर राधा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो उन बची हुई रानियों को भी कन्वेंस कर लेती हैं और सब कहती हैं कि ठीक है, अगर श्री कृष्ण की यही इच्छा है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण के प्रयोजन में हम कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहते। ये देखकर नारद मुनि इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो राधा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाह वाह श्री राधा, आपने तो इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कर दिया। अब बस हमें श्री कृष्ण को कन्वेंस करना है, अश्वमेध यज्ञ के लिए यही अंतिम कार्य बचा है। राधा कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर कृष्ण को यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के लिए मना ही लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपको जो कार्य दिया गया था वो पूर्ण हुआ, अश्व का व्यवस्था हुई या नहीं। यहाँ पर कहते हैं नारद मुनि कि आप चिंता मत कीजिए, एक दैविक पुरुष ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप यज्ञ का प्रबंध कीजिए, अश्व का प्रबंध हो जाएगा। यहाँ पर सांब बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और वो जैसे ही एंटर होता है कमरे में, वो जामवंती को काम करते देखता है और जामवंती उसे सुबह के बारे में बताती है कि कैसे राधा ने रुक्मिणी का चयन किया है श्री कृष्ण के साथ यज्ञ में बैठने के लिए। ये सुनकर सांब उन्हें भड़काते हुए कहता है कि क्या आप देवी रुक्मिणी से खुद को कमाती हैं, लेकिन आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई। रुक्मिणी कहती है कि पुत्र, हमें इस शुभ कार्य में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए और ना ही मैं डालना चाहती। तुम्हें जो कार्य दिया गया है तुम सिर्फ उस पर ही केंद्रित करो अपना ध्यान और जाओ जाकर के अपना कार्य पूर्ण करो। सांब यहाँ पर सोचता है कि चाहे जो हो जाए मुझे कुछ भी करके ये यज्ञ रोकना ही होगा। तभी सांब का जो सेवक होता है वो आकर के बताता है कि अस्तबल में एक घोड़ा प्रकट होने वाला है और ये सुनकर सांब कहता है कि बस अब तो चाहे अश्व आए या फिर अश्व स्थल में ना आए, लेकिन मैं उसे यज्ञ स्थल तक पहुंचने नहीं दूंगा। यहाँ दिखाया जाएगा कि महादेव के दर्शन करके श्री कृष्ण की आठों पत्नियाँ और राधा वहाँ पर प्रस्तुत होती हैं, जिसे देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या बात है, आज तो सब यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई विशेष अवसर है क्या। यहाँ पर राधा कहती हैं, हाँ कृष्ण, हम सब यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम रुक्मिणी के साथ यज्ञ में बैठने की घोषणा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं कर देता हूँ। नारद मुनि उनको दिखाते हुए इशारे से छेड़ते हैं और कहते हैं कि देखिए प्रभु, अब बताइए। कृष्ण कहते हैं कि स्वप्न, मैं तो चाहता हूँ कि आपका देखा हुआ स्वप्न अवश्य पूरा हो। यदि आप सभी मेरी पत्नियों की यही इच्छा है तो मैं आप सबकी इच्छा का मान रखता हूँ। राधा कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी अष्टभार्या चाहती हैं कि तुम सभी का एक ही मत रखते हुए रुक्मिणी को अपने साथ यज्ञ में बिठाओ। कृष्ण कहते हैं कि अति उत्तम, क्या कहूँ मैं आप सब से, इतना भावुक कर दिया है आप सब ने मुझे ये देखकर कि मेरी पत्नियों में कितनी ज़्यादा एकता है, वाह वाह। श्री कृष्ण एक एक करके सबके पास जाते हैं और उनको ऐसे बात करते हैं जैसे कि वही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। जैसे कि वो सत्यभामा के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी सबसे खूबसूरत रानी हो, ये बात तुम्हें भी पता है, अगर तुम मेरे साथ यज्ञ में बैठती तो मेरे यज्ञ की शोभा और बढ़ जाती। लेकिन ठीक है, तुमने रुक्मिणी को सेलेक्ट किया है तो इसमें तुम्हारा मर्जी है और मैं तुम्हारी मर्जी का बिल्कुल बिल्कुल रेस्पेक्ट करूंगा। एक एक करके श्री कृष्ण सबके दिमाग में यही बात डाल देते हैं और जिसे देखकर राधा और नारद मुनि को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण जाने लगते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप सबके एक मत होने की वजह से अब मैं जा रहा हूँ यज्ञ के लिए सज्ज होने। हम कल इसी समय इसी क्षण मिलेंगे यज्ञ के लिए, तब तक आप लोग भी विश्राम कीजिए। जैसे ही कृष्ण जाने वाले होते हैं, यहाँ सबसे पहले सत्यभामा ऑब्जेक्शन उठाती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण, मैं इस विचार विमर्श दोबारा करना चाहती हूँ, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। और एक एक करके सभी कहती हैं कि हाँ, हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है श्री कृष्ण। और ये देखकर नारद मुनि और राधा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, एंड उसके बाद कल क्या होगा, कौन बैठेगा भला श्री कृष्ण के साथ यज्ञ में, यज्ञ होगा भी या नहीं, आपको बताएंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।